डियर स्टूडेंट्स, आज हम सभी जब क्वारंटाइन में हैं तो हम सभी की अपनी अपनी कुछ ना कुछ सीमाएं हैं। ऐसे में वीडियो शूट करते समय कभी बगल से टीवी की आवाज़, तो बच्चे की आवाज़, तो कभी किसी सीटी की आवाज़ आ सकती है। ये सब समय के अनुसार हम सबों को समझना होगा। चलिए, आज जो हम लोग 28 नंबर टॉपिक्स कर रहे हैं उसमें आज कुछ नए टॉपिक्स फिर से जुड़ेंगे। अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आज हम लोग 1919 से लेकर 1930 तक के पीरियड के ऐतिहासिक घटनाक्रम को एक साथ अच्छे से समझते हुए वन लाइनर्स के रूप में करेंगे, क्योंकि इसके बीच जो घटनाएं हैं वो एग्ज़ाम्स में आते हैं। जैसे जालियांवाला बाग से लेकर असहयोग आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट, और फिर बारदोली प्रस्ताव से असहयोग आंदोलन का वापस लेना, साइमन कमीशन, बीच में स्वराज पार्टी, उसके बाद और भी कई सारे घटनाक्रम आपको इस बीच में देखने को मिलेंगे। लेकिन सविनयवज्ञा आंदोलन से पहले के घटनाक्रम को हमें करना है, क्योंकि सीटी मूवमेंट यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 से 34 तक चला था, इसे नहीं करना है। ये नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग करेंगे। तो 1919 से लेकर 1930 तक के बीच के घटनाक्रम को हम लोग करेंगे हिस्ट्री में। ज्योग्राफी में आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलने जा रहा है, ये आप भी समझते होंगे, क्योंकि आप सभी ने बहुत मेहनत किया है, परिश्रम किया है, और कई सारे टॉपिक्स को आपने समाप्त किया है। बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग के समाप्त हो चुके हैं। फिजिक्स समाप्त हो गया है, केमिस्ट्री ऑलमोस्ट समाप्त होने पर है, साथ ही इंडियन पॉलिटी समाप्त होने पर है, हिस्ट्री एंशिएंट हम लोगों ने समाप्त कर लिया है, और भी बहुत कुछ है। तो ये सब आपकी मेहनत का प्रतिफल है, ये सब आप करते रहें, आपको आने वाले समय में इसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा। आज हम लोग जो ज्योग्राफी में कर रहे हैं, जैसा हमने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये है फिजिकल ज्योग्राफी, भारत का भौतिक भूगोल, यानी हिमालयी रीजन से लेकर प्रायद्वीपीय भारत, पर्वत पठार, साथ में जितने भी द्वीप या प्रायद्वीप हैं इनके डिटेल्स लेना है। नदियों को नहीं करना है, नदी हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियाँ आएंगी उसे कर लेना है। तो बड़ा टॉपिक है ज्योग्राफी का, आज ये दो दिन चलेगा, आज हम आपको पूरे पेजेस दे रहे हैं, ये पूरा भौतिक भूगोल का हम आपको पेज नंबर दे रहे हैं, आप इसे आधा करें, आधा नेक्स्ट टॉपिक में करना है। बड़ा टॉपिक है लेकिन बहुत फर्टाइल टॉपिक है। उसके बाद तीसरा टॉपिक हम लोग इंडियन पॉलिटी में आज कर रहे हैं, संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संसद से जो संवैधानिक संशोधन पारित होते हैं वो साधारण, विशेष और विशेष के साथ राज्यों के समर्थन, आधे राज्यों का समर्थन, तीन टाइप के संवैधानिक संशोधन पारित होते हैं पार्लियामेंट से। इसे समझना है कि राष्ट्रपति का चुनाव, अगर उसमें किसी कानूनी रूप से कोई संशोधन करना है तो ये संशोधन साधारण या विशेष बहुमत से या विशेष के साथ राज्यों के समर्थन से पारित होगा। सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है, चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट की संख्या से संबंधित, चीफ जस्टिस की संख्या से संबंधित, तो इसके लिए कौन सा संशोधन पारित होगा, या नए राज्यों का निर्माण, उसकी सीमा में परिवर्तन, ये सब अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, एग्जाम्स में आते हैं। हालांकि आपको जो बुक्स बताया गया उसमें सारे सब्जेक्ट्स को डील नहीं किया गया, जैसे नए राज्यों का निर्माण तो उदाहरण के साथ दिया हुआ है, लेकिन और जो बहुत सारे विषय हैं वो इन बुक्स में नहीं है। तो संभव हो तो एक बार आप YouTube पर संवैधानिक संशोधन ये आप ज़रूर देख लें, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी में आज हम लोग चौथा टॉपिक करेंगे, इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, मांग जनित यानी डिमांड पुल और कॉस्ट पुश, दो प्रकार की मुद्रास्फीति करें, साथ में रिसेशन समझें, और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद साइंस के दो टॉपिक्स हम लोग करते हैं, जिसमें आज हम लोग कर रहे हैं केमिस्ट्री में मानव निर्मित पदार्थ, जैसे साबुन हो गया, या TNT, या डायनामाइट, एक्सप्लोसिव्स, या उर्वरक, फर्टिलाइजर, सीमेंट, ये सब हम लोग किस प्रकार, किन केमिकल से बनाते हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब एग्जाम्स में आ जाता है। तो ये आप केमिकल समझें, मानव निर्मित पदार्थ एक पेज आपको करना है, नेक्स्ट टाइम रेस्ट बचा हुआ इसका भाग हम लोग करेंगे। और उसके बाद बायोलॉजी में आज हम लोग कर रहे हैं बहुत छोटा सा टॉपिक, शायद आप पहले कर चुके होंगे, लेकिन इसे आपको फिर से दिया जा रहा है या सेपरेट किया जा रहा है, क्योंकि ये एग्जाम्स में आता है, और ये है विटामिन्स, केवल विटामिन करना है, एक पेज पर आधा पेज में दिया हुआ है, जितने भी विटामिन्स हैं उनका बायोकेमिकल नेम और उनसे होने वाले रोग, उनकी कमी से होने वाले रोग और सिम्टम, और बायोकेमिकल नेम बहुत बार, एक्सेरोफाइटाइल किसका, फिलोक्विलोन, या कैल्सिफेरॉल किस विटामिन का बायोकेमिकल नाम है, तो ये आप अलग से कर लें, रिवीजन भी हो जाएगा अगर आपने इसे पहले किया है। उसके बाद हम लोग करते हैं SPD के GKGS और साइंस से टॉपिक्स। एक राज्य सबसे पहले हम लोग लेते हैं SPD के रेलवे सामान्य ज्ञान से, जिसमें आज हम लोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश।
तो उत्तर प्रदेश के डिटेल्स करें, बॉक्स बनाकर दिया हुआ है और दाएं बाएं वन लाइनर्स हैं, इसे भी करना है। अगर नेक्स्ट टू पेजेस पे आप जाएंगे, दो पेजेस साथ में और करना है। इसमें आप अगर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, पेज नंबर 57 पे, तो यहाँ पर आपको कुछ कुछ गुरु, सिख गुरु हैं उनके बारे में दिया हुआ है, कुछ संस्थान हैं और फिर उपवेद है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, शिल्प वेद, ये सब किसके उपवेद हैं, ये सब भी दिया हुआ है। तो ये आप कर लेंगे पेज नंबर 57 पे। और 58 नंबर पेज पे आप जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कांच के विभिन्न प्रकार, यानी सन ग्लासेस या एपरेटस, प्रयोगशाला के उपकरण, ये सब किस शीशा कांच के बने होते हैं, ये सब आपको करना है। साथ ही आपको यहाँ पर करना है कलर का मिक्सिंग, और फिर गवर्नर जनरल करना है, कुछ प्रमुख गवर्नर जनरल और उनके समय होने वाले घटनाक्रम। तो ये सब आपको जीके जीएसएस पीडी वाले से करना है, दो पेजेस और एक राज्य यूपी। और फिर अगर साइंस के सेगमेंट से आएंगे, एसपीडी के साइंस से, तो यहाँ पर आपको करना होगा मात्र 10 मॉडल सेट्स, जिसमें आज 91 से लेकर 100 तक, हर मॉडल सेट में 10 या 20 या 15 वन लाइनर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करते हैं जनगणना 2011। हम लोगों ने एससी किया था तो एसटी हम लोग करेंगे। तो किस राज्य में एसटी की संख्या सर्वाधिक है, प्रतिशत सर्वाधिक है, तीन राज्य करें, जब भी करें तीन राज्य करें, और बॉटम में सबसे कम एसटी वाला स्टेट, और फिर अपने राज्य में एसटी की कुल संख्या कितनी है पूरे देश के सापेक्ष, और फिर कौन सा ज़िला और कौन सा बॉटम वाला ज़िला है जो एसटी से संबंधित है। और फिर हम लोग करेंट अफेयर्स करते हैं। एक मैगजीन अगर आप ले पा रहे हैं तो हम लोग पीडी से, आज हम लोग कर रहे हैं मार्च का तीसरा टॉपिक आर्थिकी, अर्थव्यवस्था संबंधित करंट बेस्ड। और फिर लास्ट में हम लोग हिंदी का एक टॉपिक लेते हैं, जिसमें आज हम लोग कर रहे हैं उपसर्ग यानी प्रेफिक्स। अब उपकार है या आयु है या आधार है, तो ये सब उपसर्ग इसका क्या होगा, बाद में हम लोग करेंगे उपसर्ग के बाद प्रत्यय, लेकिन आज आप करें उपसर्ग हिंदी में। इनके उदाहरण ये सिंपल है, आसान है, लेकिन एक बार आप देख लें कुछ उदाहरण ताकि आपके माइंड में रहे। तो ये थे आज के ये टॉपिक से 11 टॉपिक्स, जिसमें आपको कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। लेकिन याद रखें कि रीजनिंग और मैथ को भी करते हुए चलना है। टेक केयर।